मतलब क्वेश्चन नंबर वन में जो था उसमें एक बार देख लेते हैं रफली, तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर वन ही कर रखे थे ना कल, हाँ तो यार उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल था कितना था, 3 लाख, 3 लाख नहीं, कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल, 8 लाख, 8 लाख था इक्विटी शेयर कैपिटल, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी था, ये कितना था, 12 लाख। और मैं आपकी बातों के चक्कर में एक चीज भूल गया था, डिबेंचर, डिबेंचर, और डिबेंचर कितने का, 1,20,000 इंटरेस्ट है जो कि है 12%, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12% 10 लाख, तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 30 लाख। इसका परसेंटेज बताओगे कितना कमा रहे थे, 4 लाख, 4,20,000 कमा रहे थे किस पे, 30 लाख पे, इंटू 100 कितना परसेंट आ गया, 14%। अब एस्टिमेटेड ईबीआईटी कैसे निकालेंगे, 30 लाख तो पहले का था कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 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 और कितना, 4 लाख, और इसका कितना परसेंट, 14%, तो बताओ कितना आ गया, 4 लाख। क्वेश्चन नंबर वन में चेंज करोगे थोड़ा सा चेंज, हाँ डिवेंचर अलग से दे देता तो याद रहता, हम तो क्या पहले क्वेश्चन ऐसा उठा लिए, हालांकि हमने जो एग्जांपल किया था उसमें प्रॉपर हमने डिवेंचर वगैरह लिए। तो एस्टिमेटेड ईबीआईटी 4,76,000 लेकर आप क्वेश्चन बना लेना, अब सारा क्वेश्चन हम बना नहीं सकते, वो आप बना लोगे, मुझे थोड़ा सा तो काटना पड़ेगा, वो जो ऊपर का है कितना निकला था हमारा एस्टिमेटेड ईबीआईटी, तो पहले कितना आया था, 5 लाख, अभी कितना आएगा, बस उतना ही तो चेंज करना, बाकी कहाँ चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ ईपीएस नेगेटिव आ रहा है ऐसा बोल रहे हो क्या, परसेंटेज नहीं दिया, तो दिया हुआ है परिणाम ही लिखा है, परिणाम का सेट ही दिया हुआ है, तो इकट्ठा प्लस कर फाइनेंस कर अच्छा पा रहा है, तो ये बैठे अपन प्लस किया एक बार सर, चलिए मैं क्लास के बाद इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, बाकी तो यार वो कर लोगे आप, मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज के। क्वेश्चन चलो वही वाला पॉइंट आ गया आपका डिबेंचर वाला, ठीक, अब अच्छा लगे। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस बार ऐसे स्टेटमेंट बनाकर दे दिया, ईबीआईटी कितना दिया है भाई, 2,80,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना परसेंट है, 10%, जो कि है 40,000, मतलब इस फर्म में पहले से डिबेंचर है, वो सबसे पहले लिख लिया करो, वही तो भूले थे हम, तो 40,000 रुपये इंटरेस्ट है जो कि कितना परसेंट है, 10%, तो डिबेंचर कितने रुपए के हैं ऑलरेडी, 4 लाख, ये भूल गए थे हम क्वेश्चन नंबर वन। तो ईबीटी कितना आया, 240, इनकम टैक्स रेट है 50%, 1,20,000, तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,20,000, नंबर ऑफ शेयर्स है 30,000, तो ईपीएस आ गया 4 रुपए, प्राइस अर्निंग रेशियो भी निकाल कर दे दिया है 10, तो मार्केट प्राइस आ गया 40, ठीक है यहां तक। कंपनी के पास ऑलरेडी रिजर्व है कितने रुपए के, 7 लाख, और कंपनी को कितने की जरूरत है, 4 लाख। दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट एज फंड ऑलरेडी इन्वेस्टेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से नया पॉइंट, यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला क्या है डेट इक्विटी रेशियो का,
तो लिखा है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, इसको मालूम था कि आपको नहीं आता कर, फॉर्मूला भी लिखा है ठीक, रेशियो हायर देन 32%, अगर बोले किसी भी हालत में, क्योंकि आप पैसों का अरेंजमेंट डेट से भी कर रहे हो इक्विटी से भी कर रहे हैं, तो बोले चेक कर लेना डेट इक्विटी रेशियो अगर 32% से ऊपर चला जाएगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो घट के कितना हो जाएगा 8, अभी कितना है 10, 10 से 8 हो जाएगा। वैसे प्राइस अर्निंग रेशियो का यूज कहां है, जितना भी डिसीजन देते हो कि कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है वो किस बेसिस पे देते हो, मार्केट प्राइस। किस्मत बुरी थी अभी तक कि प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं दिया था तो हम ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन देते थे, अब प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है तो मल्टीप्लाई करोगे। तो बोल रहा है कि अगर डेट इक्विटी रेशियो 32% से ऊपर हो जाएगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना हो जाएगा 8, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल बोरिंग कितना हो जाएगा 12%। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबल प्राइस, मतलब एमपीएस, एक्सपेक्टेड प्राइस। एमपीएस कैसे निकालते हैं, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर इन 4 लाख रुपए का अरेंजमेंट किसके थ्रू कर रहे हो, डेट, या फिर किसके थ्रू कर रहे हो इक्विटी, और इक्विटी शेयर कितने में इश्यू हो रहा है 40 करेगा, पहला काम क्या किया जाए एस्टिमेटेड ईबीएटी, पहले तो वही निकलते देखोगे वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड ईबीआईट, सबसे पहला आएगा आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं इस बार ना शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ, सीधा प्यार प्यार से सारी चीजें लिखूंगा, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसी के चक्कर में सब गड़बड़ हुआ। कितना था यार शेयर कैपिटल, 30,000 शेयर्स है, 10 का 1 है तो कितना हो गया 3 लाख, और इसके अलावा मुझे याद है डिबेंचर्स भी था, चार लाख, और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस भी है कितने का 7 लाख, और तो कुछ नहीं है। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, चौदह लाख, और परसेंटेज निकाल लेते हैं जिसको बोलते थे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो अभी कितना कमा रहे हैं 2 लाख 80,000, कितने पर कमा रहे हो 14 लाख इंटू 100 परसेंटेज 20%, ठीक है। अब इसके बाद हमारा हो गया एस्टिमेटेड डीबीएट, पहले से कैपिटल एम्प्लॉयड था 14 लाख, और कितने पैसों का अरेंजमेंट हो रहा है 4 लाख, और इन सब पे कितना परसेंट कमाएंगे हम 20%, लाख 60,000। अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, मांगा ही नहीं है एमपीएस, मैथ्स कैसे आप लोगों का, मतलब अभी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन, हाँ वही वाला।
क्योंकि मेरा मैथ्स खराब है, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आप जिम्मेदार रहोगे। ठीक, दो ही अल्टरनेटिव है। पहला क्या है भाई, जो पहला वो जो बोला है ना वो लिखेंगे। तो यहाँ जाएगा डेट और यहाँ आ जाएगा इक्विटी और यहाँ आ जाएगा एस्टिमेटेड ईपीआई। कहाँ से आए हैं? वर्किंग नोट नंबर 1, 3,60,000। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा है ना, माइनस। हाँ कुछ नहीं, यही तो सब यही चलने वाला है यार। लेवरेज तो और भी छोटा है। आपका कोर्स किसी भी हालत में 31 अगस्त से पहले खत्म होने वाला, वो तो किसी भी चैप्टर को मैं लंबा खींचूंगा। इंटरेस्ट, वर्किंग कैपिटल है। 5 दिन की छुट्टी अलग रहेगी, कोई बाहर जाने वाला है तो। हाँ मजाक कर यार, आप मजाक कर रहा हूँ भाई। इंटरेस्ट ले ले पहले, ओल्ड वाला तो आएगा। कितना? और हम भी जानते हैं इक्विटी में चार लाख ₹48,000 आता, लेकिन वो डिपेंड करता है डेट इक्विटी रेशियो। तब ये लिखे हैं कि अगर डेट इक्विटी रेशियो 32% से ऊपर हो जाता है तो आपको उधारी फिर 10% पे नहीं मिलेगा, कितने परसेंट पे मिलेगा? 12। चेक करना पड़ेगा ना यार, तो अब और एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। डेट इक्विटी रेशियो, और सबसे पहले मैं बात किसकी करूं? डेट ऑप्शन फॉर्मूला पता है ना यार, सीरियसली क्या यही फॉर्मूला होता है? अच्छा एक सुना था ना आपने लॉ में कि यार डेट इक्विटी बायबैक, हाँ अच्छे मिले आप लोग। डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या था उसका? हाँ तो वो रेशियो का फॉर्मूला तो होगा। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बायबैक इतना होना चाहिए, और भी बहुत सारे प्रोविजन है मुझे मतलब नहीं। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या लगेगा वहां? लॉ में फॉर्मूला लिखा है, कौन सा सेक्शन? हाँ मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ सर। सिर्फ जनरल एंट्री पास करके कैसे होगा? पहले तो मुझे बताओ कि बायबैक कर सकते हैं। हाँ अकाउंट वाला मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं ऐसा वैसा लिखा हुआ, लेकिन एक बात और लिखिए कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अकाउंट और लॉ लिखिए है ना, सवाल है कि वहां कौन सा वाला फॉर्मूला है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, पक्का ना? सुनो यहां अभी अगर मैं डेट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास टोटल मिलाकर डेट कितने का हो जाएगा? पहले से है डेट कितने का? 4 लाख पहले से था और फिर 4 लाख और आ गया और डिवाइडेड बाय 8 लाख प्लस 3 लाख
प्लस 7 लाख इंटू 100, 7 लाख क्या है, इक्विटी है, ये भी इक्विटी है, रिजर्व भी इक्विटी का पोर्शन माना जाता है। क्या ये 35% से ऊपर निकल गया, 32% से, तो सिंस डेट इक्विटी रेशियो इज मोर देन 32%, hence new borrowing rate या borrowing rate on new debts ऐसा लिखेंगे, borrowing rate on new debt कितना परसेंट लेना है, एंड प्राइस अर्निंग रेशियो कितना लेना है, मेरा क्वेश्चन ये है क्या इक्विटी ऑप्शन में भी हमको चेक करना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें तो समझ में आ गया, इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा क्या, यहाँ कितना परसेंट आ जाएगा, 12%, तो यहाँ कितना जाएगा, 48,000। अच्छा किसी को ऐसा लग रहा सर चेक करके हम मनी मन में नहीं रख सकते क्या, नहीं रख सकते, ये लिखना पड़ेगा भाई, टाइम पास नहीं है ये, है ना, ईबीटी आ गया कितना 272,000 ना यार, 8 यहां कितना आ रहा है, माइनस क्या करोगे, टैक्स, टैक्स का रेट है शायद 50%, मिला कहां लिखा है 50, टेबल में लिखा है, तो यहां गया 1,36,000 और यहां 1,60,000, तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, वन लाख 36,000 और 1,60,000, क्या प्रेफरेंस शेयर है, नहीं है ना, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसमें तो नया कोई शेयर इश्यू हुआ नहीं है, तो जो की थी वो कितना 30,000, यहां सोच समझ के करना, तीस हजार प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर इश्यू हो रहा है, लिखा है क्वेश्चन में 40 सर, तो यहाँ क्या आ गया भाई, ईपीएस 4 रुपए और यहाँ ये वाला 4.54। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ कितना 8, यहाँ कितना, कैसे, अच्छा आपका ये कहना कि डेट इक्विटी रेशियो यहाँ 35 से कम है, ये पेपर चेक करने वाले को कैसे पता, तो मैडम यहाँ लिखने में क्या बुराई थी, मैं तो करने वाला था इधर इक्विटी में, एक बार चेक कर लेते तो सबने मना कर दिया, मुझे बस इतना बताओ
इतना बताओ कि यहाँ डेट यहाँ प्राइस अर्निंग रेशो कितना आएगा, अच्छे से पढ़ के बता दो। उसमें ये लिखा है कि अगर डेट इक्विटी रेशो 35% से ऊपर जाएगा तो 8 आएगा लिखा, तो यहां आपको पक्का मालूम है कि 35 से कम ही होगा। हाँ तो मैं तो जगह छोड़ा था अपने लिए आप लोग। मैं यही बोल रहा था कि निकाल लेते प्लीज, तो सबने मना कर। बोले पहले वाली एक बड़ी अलग अलग कर रहे हैं कि 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 7 लाख अल्टीमेटली उतना ही तो आ रहा है ना यार, इनटू 100 वो तो ये रिजर्व है वो तो आएगा। हाँ, वही तो आएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा ना यार। भगवान 35% से कम आ जाए ऐसा बोलो। कितना? 22%। हाँ रिजर्व लिखना भूल जाओ। प्राइस अर्निंग रेशो बोलो कितना लेना है, 10 जो की थी प्राइस अर्निंग रेशो में कोई। हाँ जी अगर क्वेश्चन है लिख लेते हो, यहाँ कितना जाएगा 10। हाँ हाँ लिख लो। एमपीएस निकाले अच्छा बोलो कितना आ रहा प्राइस, 36.24 of 40। कौन सा ऑप्शन अच्छा है, इक्विटी वाला अच्छा है? वैसे पूछा है क्या कौन सा अच्छा है, अगर नहीं पूछा नहीं पूछा है नहीं पूछा तो जवाब भी नहीं देंगे हम, गलत नहीं दोगे बस बस मैं। आठ नंबर मतलब 10 नंबर में फाइनली याद रहता है ना यार मुझको, कैसे कर नहीं देगा बस। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आप संभाल नहीं पाए इसको। देखोगे एग्जांपल आज एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट से एक स्पीड से निकल जाए, नहीं एक कॉपी में होमवर्क एक कॉपी में क्लास वर्क, हाँ एक ही बात है चल जाएगा। उन्होंने कॉन्सेप्ट अलग से लिखा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख। ₹80,000 30%।
72,000 ईपीएस क्वेश्चन में बस जो दिया उसके हिसाब से यही है फंडरेश। हाँ जी ईपीएस निकालने जा रहे हो, सोच समझ के निकालो। अब इसमें भी कुछ ढूंढने मत लग जाना, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है यार। हाँ आप लोग बना रहे हो ना यार ईपीएस, एक आंसर आया है 2.08। आएगा ना फाइनल में मई में नहीं देना भाई, नवंबर में देना होगा आपके। गड़बड़ हो गया ये कहीं। टू पॉइंट जीरो एट बता रहा है। आईसीए रिजल्ट भी तो वैसा देगा ईपीएस 2.08। सुनो भाई सुनो सुनो सुनोगे सुनोगे एफएम की बात। यहाँ सबसे पहला है कि इंस्टीट्यूट ने इसको फॉर्मूला दिया ईपीएस निकालने का, फॉर्मूला बनाया नहीं वो भी चलेगा उससे वो बोलते सबसे पहले लिखना ईबीआईटी, उसमें से माइनस कर देना इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो टैक्स माइनस नहीं करोगे, वन माइनस टैक्स कर देना, अल्टीमेटली क्या जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से माइनस कर देना प्रेफरेंस डिविडेंड और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला लिख लीजिए काम आए। हाँ लेकिन समझ में पता लगा ऐसा फॉर्मूला देखकर डर जाती कि क्या है, कुछ नहीं वही स्टेटमेंट है उसको ऐसे बना दिया बस। हाँ इसको करवाने का उद्देश्य कुछ और है जो आगे आने वाला, वो जो क्वेश्चन बनाए उसको वैसे ही बनाओगे। चलो सोच समझ के जवाब देना, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। हमें पैसों की ज़रूरत है और सर पैसे कितने लगने वाले हैं 5 लाख, और हमारे पास दो ही अल्टरनेटिव है, या तो डेट से अरेंज करेंगे पूरा डेट से, ये तो पूरा इक्विटी से, क्या ज़्यादा अच्छा है। डेट वाले को क्या देना पड़ता है हमको,
अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो ही देना है या फिर देना ही देना? देना ही देना है। और इक्विटी वाले को कमाएंगे तो देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे, क्या ज्यादा अच्छा? डिपेंड, अब वो डिपेंड बताओ मुझे क्या चीज है डिपेंड। देखो यार अगर अगर सुनो, मैं बहुत ज्यादा कमाने वाला हूँ, मेरा अनुमान है कि बहुत ज्यादा कमाने वाला हूँ, तो भाई कम कमाऊं चाहे ज्यादा कमाऊं इन भाई साहब को तो फिक्स देना है। अगर ज्यादा कमाऊंगा तो फिक्स इनको दे देंगे और बचा हुआ तो सिर्फ मेरा होगा ना। लेकिन हम भाई पैसे इक्विटी से ले लेता हूं तो डेट वाले को तो देना है जो देना है, पर लेकिन अब बांटने वाले तो 2-3 लोग हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा कमाने वाले हो, आपको ऐसा अनुमान है कि एक कट ऑफ पॉइंट निकाल लेते, कट ऑफ पॉइंट ठीक, इससे अगर ज्यादा कमाने वाले, इससे ज्यादा तो क्या अच्छा, राइट? ज्यादा कमाने वाले हो तो हम लोगों के बीच में क्यों बांटे, डेट वाले को तो फिक्स ही देना है। डेट वाले का रेट कितना है मान लो 10%, अगर ज्यादा कमाने तो 10 दे देंगे, बाकी बचा हुआ मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं इनसे पैसे नहीं लूंगा तो आपसे लूंगा, आप मान लो इक्विटी हो, फिर इनको फिर जो पैसा बटेगा जितना भी ज्यादा कमाऊंगा, कमाते जाऊंगा तो हम दोनों में बटेगा। मैं नहीं चाहता आपको देना, क्योंकि जब मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मैं आपको क्यों दूं? मेरा बस ये है कि किसी से पैसे उधार ले लूंगा, भैया खूब कमा रहा हूं आपका इंटरेस्ट पकड़ो, आपका 5 लाख रुपए ना, 5 लाख का 10% कितना होता, 50,000, 50,000 दिया बाकी मेरा। लेकिन इनसे पैसे नहीं लेता हूं, किसी को पार्टनर बना लेता हूं तो दिक्कत है ना यार, फिर जितनी भी कमाई होगी आधी आधी बढ़ जाएगी। ठीक, तो बताओ लिमिट से, एक मैंने कट ऑफ पॉइंट, इससे ज्यादा कमाओगे तो जब आपको अनुमान है कि आप ज्यादा कमा सकते हो तो मत उठाइए इक्विटी, क्यों मिला रहा है अपने साथ, डेट से पैसे लो, काम खत्म करो। और ऐसी उम्मीद है कि पता नहीं भाई कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, तो फिर तो आ जाओ, चलो साथ में बिजनेस करेंगे क्योंकि बहुत तो कमाने वाले नहीं है। और अगर डेट वाले को इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे ही लॉस नहीं है, इनका भी लॉस है। तो बताओ डेट अच्छा है कि बुरा? हाँ बिल्कुल, पर हमारे लेवरेज में या इसमें मुझे 2 पॉइंट बोलना पड़ेगा, डेट अच्छा है या बुरा वो किस पर डिपेंड करता है, कितना कमाने वाले, अगर ज्यादा कमाने वाले है तो डेट अच्छा, और अगर कम कमाने वाले तो डेट अच्छा नहीं है। थियोरी आता है, वो जब थियोरी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। थियोरी में एक आता है कि डेट जो है वो अच्छे समय का दोस्त कहलाता है, सही है, पक्का ना, अच्छे समय का दोस्त है। और दूसरा बोला है, जब थियोरी करूंगा तब बात करूंगा, मुझे ना सुनो सुनो सुनो, दो धारी तलवार है लिखा, दो धारी तलवार, समझते हो, दो धारी तलवार, कभी मुहावरा सुन, ये आया एग्जाम में, हाँ जी हाँ जी, दो धारी कैसे, डेट अच्छा की बुरा, डेट अच्छा की बुरा डिपेंड करता है, डेट उठाया और खूब कमाया तो अच्छा, और कमाए नहीं तो बुरा, तो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता। मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, इसको बोला जाता है इनडिफरेंस पॉइंट, ठीक, इसके ऊपर और इसके नीचे। एक बार इंडिफरेंस, एक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि यार हमको डिसाइड करना होता कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है, तो आप ऐसा ये करते हैं, अगर मैं यहाँ एस्टिमेटेड ईबीआईटी कुछ और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ चलो 4 लाख है, आप बताओ कौन सा अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है फिर निकालोगे ईपीएस, इतना टाइम पास क्यों करे। हम एक इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लेते, और मैंने निकाल लिया इंडिफरेंस पॉइंट, निकाला 3,80,000, अब बताओ क्या अच्छा, 380 से ऊपर क्या अच्छा, डेट, और 380 से नीचे इक्विटी। अब मैं कुछ भी बोलूं, मैं बोलूंगा अगर 5 लाख कमा रहा है तो क्या अच्छा, डेट, अगर मैं कहूंगा अगर 2 ही लाख कमा रहा हूं तो इक्विटी। तो ये वाला पॉइंट निकाल के हम खेल खत्म करते, ठीक है, इसमें हाँ उसकी वजह से एमपीएस पे फर्क पड़ता है, पर एमपीएस नहीं, हम ईपीएस के बेसिस पे, हम एक इंडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं ईपीएस के बेसिस पे,
तो चले काम करे, लिख ले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनडिफरेंस। इसको बोला जाता है ईबीआईटी, ईपीएस, इंडिफरेंस पॉइंट या इंडिफरेंस लेवल। आवाज किस चीज की है? हमें ऐसा ईबीआईटी निकालना है। एट विच ईपीएस इज in two alternatives। एक EBIT निकाले जिसमें EPS दोनों में सेम आ रहा है, उसके ऊपर और उसके नीचे आपको देखना पड़ेगा। इट मीन्स हमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसे होगा, ईपीएस इन डेट ऑप्शन इज इक्वल टू क्या करेंगे, ईपीएस इन इक्विटी। सर इसका किस तरह से यूज होगा वो मैं एग्जांपल के साथ या क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा आपको। If estimated EBIT is more than indifference point, then कौन सा alternative is better? That is better. ठीक है, अगला वाला तो आप समझ ही गए। हाँ बाकी तो आप लिख सकते हो ना दूसरा वाला पॉइंट, अभी कॉम होता तो बीकॉम होता तो नहीं नहीं सीए में भी बच्चे ऐसा करते हैं। ये राम और श्याम कौन है? राम और श्याम तो देखो देखो कैसे लिखते हैं, राम श्याम का भाई है पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू श्याम राम का भाई है, पॉइंट नंबर थ्री राम और श्याम दोनों भाई भाई है। मतलब इतना बेकार लिखते हो यार, इतना इतना चलो भाई अब अभी मुझे आपके मैथ्स की जरूरत है। हाँ जी लिख लिया है, अभी मुझे आपके मैथ्स की जरूरत है कि कितना आता है, यहाँ जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, चलो देखेंगे जो होगा। पहले ही क्वेश्चन है ऐसा जिसमें प्रेफरेंस शेयर भी डाल दिया, बोले लो
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े, लिखा कैलकुलेट द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव वन और अल्टरनेटिव टू। क्या इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है? यस। और 12% डिवेंचर है। इस तरह से पैसों का अरेंजमेंट कर सकते, या तो करना है कितना पैसा अरेंज कर रहे हैं, 6 लाख और 4 लाख, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 4 लाख का, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख और 12% डिबेंचर 4 लाख। इस तरह से कर सकते हो। आपको क्या निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट। टैक्स का रेट कितना है, 35%, और इक्विटी शेयर कितने का है, 10 का। अब इसको मेरे साथ साथ करोगे, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो खुद से नहीं करोगे, पता लगा बना लिया, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट और अल्टीमेटली मुझे ना ईपीएस इक्वेट करना है, ईपीएस ऑफ अल्टरनेटिव वन इज इक्वल टू करना चाहता हूं मैं ईपीएस ऑफ अल्टरनेटिव टू। फॉर्मूला मुझे बताना, अल्टरनेटिव वन में ईपीएस कैसे निकलेगा, फॉर्मूला चाहिए। सबसे पहले तो ईबीआईटी लिखना ही होगा। क्या इसमें डेट है, है तो माइनस क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और क्या टैक्स भी है तो वन माइनस टैक्स। क्या प्रेफरेंस शेयर है, नहीं है, तो यही क्लोज करते, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब ऐसे ही दूसरा कर लेते, ई बी आई टी माइनस, इसमें भी इंटरेस्ट है शायद, और वन माइनस टैक्स। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है यहाँ, तो माइनस क्या हो जाएगा, पीडी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। अब मुझे बस बताओ ईबीआईटी दिया है, क्या निकालना है, हम लोगों निकालना है, वही तो निकालना है कि दोनों में ईबीआईटी, तो ईबीआईटी को एक्स लिखूं कि ईबीआईटी ही लिख, एक्स। ईबीआईटी लिखने में ज्यादा समय जाएगा ना, यहां लिख देना, लेट एज्यूम ईबीआईटी इज इक्वल टू एक्स। आप ईबीआईटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स लिखा, पहले अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट का अमाउंट बताइए, 4 लाख का 12%, 1 माइनस टैक्स का रेट कितना है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई, 10 रुपए का एक शेयर, 60,000 शेयर्स। इधर आ जाएगा x माइनस, इधर भी कितना आ गया, 48,000, 1 माइनस टैक्स का कितना है, और pd है कितना, 28,000, और डिवाइडेड बाय 40,000, ये कट सकता है कि 0,0 कट सकता है ना यार, और ये 2 से काट सकता हूं क्या, ये काटना कुटना करना है क्या, तो इसको नहीं काटना है क्या, सुनो मुझे बस इतना बताओ कि 0 हटाना है कि 0 लगाना है, 0 लगाओगे तो होश उड़ जाएगी इधर, है ना, 0 तो हटा लेते कम से कम, अभी ठीक है, अभी ठीक है, प्यार से काटा। अच्छा ये ऊपर वाला पहले लिख ले कि अच्छे से प्रॉपर, अच्छा ये ऐसा कट सकता है कि 1 माइनस 0.35,
नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मेरा मैं सच्चा रही है स्लेब नहीं कटेगा ना। अच्छा इनका ये कहना है, सुन लो बच्चों, अगर ये -28,000 नहीं होता, मान लो नहीं होता, तो इसको हम उड़ा सकते थे। अभी मैं बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ 50,000 होता, तब ये 1-1 कट जाता है ना। चलो जब आएगा तब सोचेंगे। चलो ठीक है यहाँ तक, अभी इसको सॉल्व कर ले पहले। हाँ और कुछ नहीं कर, तो ये 0.65x लिख दूँ ना माइनस 48,000 इंटू 0.65 31,200 डिवाइडेड बाय 6 करता हूँ, थोड़े अच्छे से ही कर लेता हूँ स्टेप में, और 0.65x माइनस 31,200 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय ओ फोर इंटू ये किया, आंसर कितना आ रहा फाइनल? अच्छा मेरी जरूरत नहीं है किसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसा? अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा ऐसा कटता है कि? मुझे तो कोई मैथ्स वाला टीचर बोल रहा था सर हमारे यहाँ ऐसा ऐसा नहीं काटते हैं, तो ऐसा ऐसा काटते हैं। आप समझ गए हो ना? हाँ आपको जैसे करना कर सकते हो। ये फाइनल आंसर है सभी का? अच्छा ऐसा क्या? हो गया, चलो तो आ जाओ फिर मैदान में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 1771231 क्वेश्चन नंबर 11 अ न्यू प्रोजेक्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? 4.5 crores, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है? 12% और टैक्स रेट है 50%। इफ द डेट इक्विटी रेशियो 2:1, कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट। पहले मुझे बताओ कि पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा, डेट से कि इक्विटी से? मतलब अल्टरनेटिव वन हो जाएगा, अल्टरनेटिव टू हो जाएगा। ओके वन में क्या आएगा? डेट, इसमें डेट प्लस ऐसा पक्का, मतलब इसमें इक्विटी नहीं आएगा। अभी भी सोच लो, और इक्विटी नहीं आएगा तो डिवाइड किससे करोगे? हाँ मैं चाहता हूं कि आप दिमाग चलाओ। हाँ
तो अल्टरनेटिव होना चाहिए भाई मेरे पास, बस इतना बता दो। और एक बार कसम खा लो, सुनो कसम, कसम ये है कि इक्विटी दोनों में आना ही चाहिए, क्योंकि डिवाइड किससे करोगे, आपके पास तो पहले से इक्विटी है नहीं है, आपको तो नया प्रोजेक्ट है, ये तो इक्विटी तो आएगा, ये तो बात सच है। अब बताओ कैसे करो। एक ही अल्टरनेटिव हुआ ना, दूसरा क्या होगा? हाँ ये तो मानना ही पड़ेगा। इट मींस पहला ऑप्शन हो गया सिर्फ इक्विटी और दूसरा हो गया डेट प्लस इक्विटी। ठीक, होमवर्क होमवर्क। हाँ हाँ कर लोगे यार, थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ या एक अल्टरनेटिव और है कि उसको काट के नंबर चेंज कर देना, बुक में पेज नंबर लिख लिया था बोल रहे हैं। हाँ जी, और एक कॉन्सेप्ट है जो लिखवा रहा हूँ और उसके बाद हम काम करेंगे। लिखोगे? कभी नाम सुना है बीपी? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नहीं ऐसा नहीं, अच्छा वाला बताओ कि ऐसा प्रॉफिट जिसपे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। मेन बात हुआ है ना यार, नो प्रॉफिट नो। पर यहाँ जो बीपी पढ़ा है आपने कॉस्ट में, वो ऑपरेटिंग बीपी पढ़ा कि फाइनेंशियल बीपी पढ़ा कि ओवरऑल बीपी पढ़ा? ऑपरेशन वहां का, वो आपको कॉस्ट वाले सर ने पढ़ाए होंगे, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल बीपी, जो काम की चीज। फाइनेंशियल बीपी मींस लेवल ऑफ ईबीआईटी। एट विच फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट दैट इज ऑपरेटिंग बीपी का क्या अपने डेफिनेशन बताया था? पॉइंट का मतलब सेल्स की ईबीआईटी की क्या चीज? रेवेन्यू ना, मतलब इतने रुपए का सेल्स हो कम से कम कि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर। यहां भी वही मैं बता रहा हूं कि मुझे सेल्स से मतलब नहीं है, इतने रुपए में कमाऊं, इतना ईबीआईटी कमाऊं कि जिस पे मेरा फिक्स फाइनेंस कॉस्ट रिकवर हो जाए। उसके बाद ना भी कमाऊं तो उसके बाद जीरो भी आ जाए, इट मींस ईपीएस क्या लाना चाहता हूं मैं? जीरो। जीरो भी आ जाएगा तो चल जाएगा। तो फिक्स फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी फिक्स फाइनेंस कॉस्ट है, फिक्स है। आर रिकवर्ड, और फाइनेंशियल बीपी सिर्फ और सिर्फ रुपीज में कैलकुलेट होगा। आपका ऑपरेटिंग बीपी नंबर ऑफ यूनिट्स में भी होता था, जिसमें आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते थे डिवाइड्स, और रुपीस में निकालना है तो आप डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करते थे, हाँ ऐसा कुछ करते थे कॉस्ट में। जिनका निकल गया बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल बीपी रुपीस में निकल।
ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला याद है ना आपको, ऑपरेटिंग बीपी का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट। तो इस ऊपर यहाँ क्या आएगा, इंटरेस्ट, और क्योंकि ये रुपीज में निकलना है, प्लस पीडी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स। खैर लिख लो आपको पता है फॉर्मूला, जैसे मैं बताऊंगा ना आप बता दो, अभी आप ये लिखो उसके बाद मैं बात करता हूँ। इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स, समझाऊंगा ना, एक बार लिख तो लीजिए। लिखना नहीं है बस सुनना है। मान लो ईबीआईटी है 80,000, ठीक, माइनस इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है मान लो 20,000 रुपए, बताओ ईबीटी कितना आ गया, 60,000, इसमें से क्या माइनस करते हैं, टैक्स, और टैक्स है मान लो 30%, बोलो टैक्स कितना, 18,000। तो यहाँ जो आएगा इसका नाम क्या रहेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना, 40, इसमें से और क्या माइनस करोगे, पीडी, ठीक, पीडी लेते 14,000, तो नीचे क्या जाएगा हमारा, अर्निंग्स कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मान लो 10,000 है, तो यहाँ क्या जाएगा, ईपीएस, ईपीएस कितना जाएगा, 2.80, यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा कि मुझे ईपीएस जीरो रखना है, ऐसा क्या ईबीआईटी लिखूं कि ईपीएस जीरो रखना है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, बैक कैलकुलेशन से हो सकता है। यहाँ कितना लिखू, 10,000, तो बताओ यहाँ ईपीएस अर्निंग कितना लिखूं कि 10,000 से डिवाइड करने के बाद जीरो आ जाए, नहीं मैं बैक कैलकुलेशन से ही जाऊंगा, पक्का किसी को 10,000 तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ जीरो लिखो, ठीक ठीक ठीक, अब ऊपर जाना, पीडी में कोई चेंज होगा कि नहीं, वो तो देना ही है भाई, पीडी को, पीडी देने के बाद जो बचेगा वो हमारे पास जीरो बचना चाहिए, मतलब बोलो यहाँ कितना जाएगा, तो बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 14 लाना पड़ेगा, चलो यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंचना है बस, टैक्स कितना, यहां कितना लिखूं ईबीटी, बस इतना बता दो भाई, अच्छा आपका कहना है कि मैं यहां 20,000 लिखूं, तो 20,000 का 30% कितना होता है, हाँ बात सही है, 20,000 कैसे निकला, 14,000 डिवाइडेड बाय 70, तो वही तो इधर कर रहा हूं, इस पर क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए, सुनो बेटे सुनो, यही मैं करने वाला हूँ इधर, और कुछ नहीं, पीडी डिवाइडेड बाय 70% किया आपने, आपको पता भी नहीं लगा एक्चुअली, ठीक है, तो बोलो कितना आ गया, 20, यहाँ कितना आ गया, अब और ऊपर जाना है, इंटरेस्ट में कोई चेंज होगा क्या, वो तो देना ही पड़ेगा, 20,000, तो बोलो यहाँ कितना जाएगा, 40, अगर मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ तो बताओ इंटरेस्ट पूरा पे हो जाएगा, यस, या प्रेफरेंस डिविडेंड को भी पेमेंट हो जाएगा, यस, और उसके बाद मेरे दोनों चीजें रिकवर करने के लिए कम से कम मुझे 40 कमाना पड़ेगा, और इससे जितना ज्यादा कमाऊंगा ना उतना एक किसका फायदा है, इक्विटी, तो ये 40 को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, और उसका मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, इंटरेस्ट लिख दीजिए कितना, 20,000, और पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, और डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने, 1 माइनस हाँ ये वाला है, ठीक, इस ये फॉर्मूला समझ में आया ना मैं क्या निकालने जा रहा हूं,
तो इस पे मैं कोई एग्जांपल नहीं करवा रहा हूँ यार, इतना हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम सीधा एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसके बाद ऑलमोस्ट क्लास ओवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, कब आया था ये? नवंबर 2020। धीरे करना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होगा, उसके बाद भले ही क्लास ओवर हो जाएगी पर इस क्वेश्चन को अच्छे से करना होगा। आराम से करते सारी चीजें। लिखा है जे लिमिटेड के पास 3 अल्टरनेटिव है, कितने रुपए का अरेंजमेंट करना है आपको? 3 प्लान्स है। पहला, पूरा की पूरा पैसा कहां से उठाओ? इक्विटी। दूसरा, 2 लाख यहां से, 2 लाख यहां से। तीसरा, 2 लाख यहां से, 2 लाख यहां। कॉस्ट ऑफ डेट कितना दिया है? 10%, मतलब डेट से उठाओगे 10% देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर का भी कॉस्ट कितना दिया है? 10%। टैक्स का रेट कितना है? 50%। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। और कितने में इश्यू होगा? मतलब 20 रुपए में शेयर इश्यू, नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल जाएगा। क्या एक्सपेक्टेड ईबीआईटी दे दिया है? कितना? 1 लाख। मतलब ये पुराना जो करते थे ना ईपीएस, कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर, क्या निकालना? सबसे पहले ईपीएस निकालना है, फिर क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट, और फिर क्या निकालना है? इंडिफरेंस पॉइंट। क्या एस्टिमेटेड ईबीआईटी दिया हुआ है? कितना दिया है? 1 लाख। तो पहले हम प्रॉपर टेबल बनाएंगे, तो लिखते कैलकुलेशन ऑफ EPS. वन टू थ्री, गुड मॉर्निंग। और यहां जाएगा एस्टिमेटेड ईबीआईटी कितना? कितना? 1 लाख, 1 लाख, और 1 लाख माइनस क्या करोगी? इंटरेस्ट। कौन से अल्टरनेटिव में आएगा? सेकंड। याद रखना 50-50% है, गड़बड़ मत करना। कितना रुपए? 1 लाख। किसी बच्चे ने एग्जाम में दिमाग चलाया, जो कभी नहीं चलेगा वो एग्जाम में चलेगा, याद रख। और उसने कहा कॉस्ट ऑफ डेट को तो प्यार से केडी बोलते हैं यार, और केडी निकालने का फॉर्मूला था आई नहीं 1 माइनस टैक्स, तो हमको तो आई लगेगा ना इधर, और केडी दिया, मतलब उसने चलाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो उसका कहना यार केडी लिख देता हूं मैं इधर 10, और टैक्स तो मालूम है 0.5, तो आई निकल जाएगा, और आई जो निकलेगा उसको मैं 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छे से पढ़ के गया रहा होगा। उसका दिमाग चल गया वैसे। 0। और फिर मुझसे बोलता सर कौन सा गलत किया था मैंने। टैक्स का रेट कितना है?
50% पचास हजार 40,000। अच्छा इसमें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है ना यार। अच्छा भोपाल ओके ओके 50,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। पचास हजार माइनस क्या जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड लास्ट वाले में कितना 20,000। तो ये आ गया हमारा अर्निंग्स। पचास हजार 40,000 और 30,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे नंबर ऑफ शेयर्स। यहां सोच समझ के बोलोगे है ना। पहले वाले में तो पूरा 4,00,000 तो 4,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000 10,000 और 10,000 ईपीएस आ गया 2.50 4 और 3। पूछ रहा है कि कौन सा अच्छा है। बोले नहीं जरूरत नहीं है बस ईपीएस निकाल दो बात का पूछा नहीं उसने। ईपीएस निकाल दो पॉइंट नंबर टू में क्या निकालोगे बीपी फाइनेंशियल बी फाइनेंशियल बीपी फॉर्मूला पता है ना याद हो जाएगा आपको। फॉर्मूला था इंटरेस्ट प्लस पीडी वन माइनस टारगेट ये था भाई कि कितना कमाए कि ये दोनों की दोनों रिकवर हो जाए। अल्टरनेटिव वन का अलग बताना है टू का अलग बताना है और थ्री का अलग बताना कर सकते पर ठीक है इसको मैंने अलग से बता दिया। अच्छा सब तीनों का मिलाकर बता दिया है। चल जाएगा बताओ इसमें कितना आएगा फाइनेंशियल वीपी अल्टरनेटिव वन 0। तो 0 लिखने में आपको इतनी शर्म आती है भाई लिखने में क्या दिक्कत थी 0 लिखो अल्टरनेटिव टू 20,000 प्लस कुछ नहीं तो 20,000। तीसरे वाले में ये तो है ही नहीं है 20,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 तो कितना जाएगा 40। ठीक देख लो हाँ पैसा भी लिख सकते 0 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। अब आपकी परीक्षा की घड़ी है और आप निकाल रहे हो इंडिफरेंस किस किस के बीच में। अच्छा 1, 2, 3 के बीच में नहीं निकलेगा है ना कोई भी दो अल्टरनेट 1, 2, 1, 3, 2, 3 और कुछ। तो चलो पहला मैं आपका साथ दे रहा हूं 1 और 2 में 1, 2, 1, 3 इंडिफरेंस 1 और 2 फॉर्मूला लिख ले कि पहले लिखना तो पड़ेगा नहीं ये
कुछ है क्या इधर? नहीं इसके अलावा ना यार, नहीं है तो सीधा वन माइनस टैक्स कर दो डिवाइडेड बाय एन, इधर क्या जाएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ईबीआईटी कितना दिया है वही तो निकालना है, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, वही तो निकालना है हमको। अरे यार 1 लाख लिख कर करोगे क्या? यही तो निकालने वाले हो? अच्छा लिख लेते ना तो आपको भी अच्छी, करना क्या है बाद में पता लग जाता है। डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, एक्स माइनस इंटरेस्ट लिखना है ना यार, डिवाइडेड बाय सर अभी कुछ काट वाट ले क्या? अच्छा कोई मुझे बता रहा था वन माइनस ये कट जाएगा, मतलब वन माइनस टैक्स कट, पहले तो ये कटेगा वन और यहाँ टू। अब मुझे सोच समझ के जवाब देना, क्या इसको उड़ा दूं? तो उड़ा के देखते ना, नहीं आएगा तो काट देंगे दूसरा बना देंगे, ये भी उड़ा दिया। अब वन का इधर मल्टीप्लाई कर तू, कौन बताया था ये मुझे? हाँ अभी क्लास के बाद मन लोगे, और इधर क्या आ जाएगा जरा बताओगे? 2x माइनस 40,000, बस इतना ही है। उतना ही आ रहा, ठीक है उड़ा सकते उड़ा सकते। मतलब हर बार मत उड़ा देना, पता लगा फिर दिक्कत में जाए। अगर यहाँ माइनस पीडी होगा इसके बाद भी कुछ और होगा तब नहीं कर सकते। हाँ आप चाहो तो माइनस करके भी कर लीजिए, साइड वाला क्यों बैठा है? जिन लोगों को ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ना तो वो माइनस करके भी कर सकता है ना। चलो 2n3 बना रहे हो आप, अभी तो 1n2 ही हुआ है, अब 2n3 फिर 1n3 ऐसा करना पड़ेगा ना।
किसका कौन सा का 2 and 3 ना। अच्छा अच्छा मैं देख रहा हूँ, एक बार और कर लो, अच्छे से कर लो। पता है ना, मुझे पता, मैं तो देख रहा हूँ कि कैसे निकाल रहे हो। अच्छा एक्स ही उड़ा दिए क्या आपने? मैं तो टाइम पास कर रहा था आपके साथ, मैं बाहर भी गया था कि आप गलत करो करके। सुनो, निकल ही नहीं सकता, नो इंडिफरेंस। आएगा भाई, निकल ही नहीं सकता वो इंडिफरेंस, आप कैसे भी मैच कर लो। हाँ नंबर ऑफ शेयर्स सेम है। और एक बात अच्छे से, आपको आपको एग्जाम में इंडिफरेंस, सुनो सुनो बेटे, ये जो है ना क्वेश्चन, आपको इंडिफरेंस पूछेगा ना तो आपको बताएगा कि इंडिफरेंस निकालना है 1 और 2 के बीच में और 1 and 3 के बीच में, 2 and 3 आपसे पूछेगा ही नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। नंबर ऑफ शेयर्स जनरली सेम है और यहाँ जो कॉस्ट है वो सेम है, आपका कभी भी नहीं आएगा वो, मैं बता दूंगा। अभी यहाँ 2 and 3 में नहीं निकले, पता लगा 1 and 3 में भी नो इंडिफरेंस बोल दिया आप। तो 80,000 2 and 3 का इंडिफरेंस कितना आया? 0 नहीं बोल सकते हैं, नो इंडिफरेंस। मुझे 1 and 3 का आंसर चाहिए। पक्का? सभी का आ गया है क्या बच्चे? नहीं, मैं तो होमवर्क दे रहा हूं ना। ये देखो, ये ऐसे बताता है इंडिफरेंस। एग्जाम का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन आया था? 5 नंबर। और थर्ड में देखो क्या बोला है, 1 and 2, बस ऐसे ही पूछेगा, तो आप सब लिख कर देगा। और यहां भी अल्टरनेटिव दो ही है, सॉरी दो ही। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15 जो है पहला होमवर्क था आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी होमवर्क है। अभी दिया है मैंने 15 और 17, 8 लाख रुपए की जरूरत है, 2 अल्टरनेटिव है, या तो पूरा पैसा इक्विटी से, तो डायरेक्ट इक्विटी से 2:1, और इंटरेस्ट है 18%।
मुझे इतना बताओ कि ये क्वेश्चन जो है ये अगर करने बैठो आप तो कितने टाइम में हो जाएगा? सिर्फ इंडिफरेंस निकालना, सिर्फ इंडिफरेंस। क्यों इंडिफरेंस में तो कुछ नहीं लगता, ईपीएस ऑफ वन इज इक्वल टू ईपीएस टू। बना रहे हो आंसर चाहिए मुझे इसका, बस दिल खुश कर दो, इसका आंसर निकाल दो बस, कैसे भी कर। अच्छा कॉपी बंद कर दिए थे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन, जल्दी से स्पीड से बनाओगे और फ्री हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क दे देता हूँ उससे पहले, है ना, बाद में देने नहीं दोगे। और क्वेश्चन नंबर बस 19 हो गए, ये वाला क्वेश्चन आप बना रहे हो 18 18 आंसर दे दो खत्म, अब फ्री आप। और मैं लिख भी देता हूँ आंसर कितना आ रहा है, एबीआईटी आपको निकल इंडिफरेंस आ रहा है आपका, इंडिफरेंस बता दो कितना आ रहा है। ₹8 लाख की जरूरत है और इधर कुछ नहीं है, टैक्स 40%, इंटरेस्ट का रेट है 18%। नंबर ऑफ शेयर्स पहले अल्टरनेटिव में तो 6 लाख दिख रहा है और दूसरे में डेट इक्विटी बता दोगे कितना कितना है? 40 लाख, 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 2 लाख। पक्का ना? एक आंसर आ चुका है मेरे पास, इंडिफरेंस लेवल 10,80,000। इतना कॉन्फिडेंस है बाकी लोगों के? आपका कितना आ रहा है? गुड, मैं तो चाहता हूँ अलग अलग आए, दिल खुश होता है। आधा सस्ती अच्छा, और एक आंसर आया 1,80,000। तो 10,80 फाइनल है आपका, 1,80 है या बदल रहे हो? बस 80 फाइनल।
1080 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क दिया हुआ है ना। यार क्वेश्चन नंबर 21 भी होमवर्क। यार सुनो, जितना टाइम अभी लगा ना उससे भी कम टाइम में इंडिफरेंस ही तो निकालना है। घर में बोर ही तो होते हो, होमवर्क हाँ तो इस एफएम का रिवीजन नहीं करना, इसी को टॉल कर लो ये रिवीजन।